टाइम गयो भाई जी, प्रोग्राम रिकॉर्ड भर रहा है, रिकॉर्ड में लगा दियो भाई जी। मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं। मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं। आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूं। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां, लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां। मैं मगरूर दरख्तों का हश्र जानता हूं। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता। जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है हिंदी सदाबहार गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा में, और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र, और मैं रमिता यादव, और तकनीकी तौर पर हमारा साथ दे रहे हैं प्राविधिक मित्र सुधीर मिश्र जी। दोस्तों, मीडियम वेव 576, 648, 684, 792 और 810 के साथ साथ FM बैंड 98, 100 और 103 मेगाहर्ज पर, साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से www.radionepal.gov.np और ऑनलाइन radionepal.gov.np पर हर गुरुवार रात 10 बजे के हिंदी समाचार के तुरंत बाद तकरीबन 50 मिनटों के इस कार्यक्रम में बारी है आज आपके प्यार भरे फोन कॉल्स की। जी हाँ दोस्तों, अभी आप रेडियो नेपाल के FM बैंड 98, 100 और 103 मेगाहर्ज के साथ साथ ऑनलाइन www.radionepal.gov.np पर हमें एक साथ लाइव सुन रहे हैं, और ये है हिंदी सदाबहार गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा, और आज है बारी फोन कॉल्स की। और आज हम आपके द्वारा, आप अगर फोन करेंगे इस कार्यक्रम में तो उस पर हम बातचीत करेंगे, आपके शेर व शायरी रचना सुनेंगे, गाने की फरमाइश कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डायल करना होगा 01421 और 01411736। जी हाँ दोस्तों, और इस कार्यक्रम को आप वापस एमके क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, और शनिवार के बाद ये आप देख पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, आज आश्विन महीने का ये पहला गुरुवार यानी पहली श्रृंखला है, और जैसे कि हमने कहा था कि ये हर महीने की पहली श्रृंखला को हम फोन कॉल्स रखेंगे और आपकी आपके साथ रूबरू होंगे, बातचीत होगी हमारी। तो रमिता जी, अब गाने की ओर चला जाए। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ गाने हैं जो पिछले फोन वाली श्रृंखला में कुछ श्रोताओं ने फरमाइश की थी कुछ गानों की। तो ये पहला गाना है। जी हाँ, ये पहला गाना है जानकी शरण कंठ जी का, जो कि देवडीहा जनकपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने फरमाइश की थी पिछले गुरुवार जब फोन की वारी थी जी। उस टाइम पर इन्होंने इस गाने की फरमाइश की थी, और ये गाना है फिल्म गंगा जमुना से, और इस गाने में आवाज है लता मंगेशकर। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा।
लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना फिल्म गंगा जमुना से जो कि सन 1961 में रिलीज हुई थी। इसके गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। जी हाँ, और इसी बीच कोई श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार दोनों ही आदमी को। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? यादव जी। जी मैं। कैसे हैं हरे राम जी? बहुत अच्छे हूँ। अच्छे हैं। आप दोनों आदमी का अगले हफ्ते जो फेसबुक कार्यक्रम था उसमें दीदार हुआ, बहुत खुशी लगा। अच्छा, और बहुत बहुत अच्छी लगे। चलिए चलिए, हम तो आपके शुक्रगुजार हैं कि इतने प्यार से आप लोग कार्यक्रम को देखते हैं और इतना प्यार देते हैं। जी आज जी, मैं तो रमिता जी को देखते देखते मुकेश जी कब आएंगे कब देखेंगे ऐसा लग रहा था, लेकिन अंत में आपका भी दर्शन हुआ, बहुत खुश लगा। रमिता जी ज्यादा देखती हैं। जी, रमिता जी की तो अपनी आईडी थी। इसलिए तो हरे राम यादव जी क्या लेकर आए हैं आज इस कार्यक्रम में? मेरा तो वही छोटा सा चुटकीला होता है। छोटा सा चुटकीला होता है, चलिए छोटा सा चुटकीला सुनने के लिए हम बेताब हैं। जी, दो आदमी छत पे सो रहे थे, अचानक बारिश होने लगी। तो पहला वाला बोला चल अंदर चलते हैं, आसमान में छेद हो गया है। अच्छा, तो इतने में बिजली कड़की। तो दूसरा आदमी बोला चल सो जा, अब वेल्डिंग करने वाला आ गया है। बहुत बहुत खूब। क्या बहुत मजेदार, बहुत ही बढ़िया। आसमान में छेद हो गया, चलो सो जाओ, वेल्डिंग कर। ये नया था। बहुत बढ़िया। और कोई गाने की फरमाइश करना चाहेंगे हरे राम जी? गाना तो मेरा निर्मला जी का भी होगा शायद, एक दो ठो। जी हाँ, आपका है, आज बजने वाला है गाना। जी, और जी, उस भीड़ में मैं आज नहीं कोई फरमाइश करना चाहूंगा, वही सुना दीजिएगा। क्या बात, चलिए बहुत बहुत कितने क्यूट है हरे राम जी। मुकेश सर एक और हो जाए? हाँ, क्यों नहीं, निकी और पूछ। एक पति पत्नी पे है। पति ने बोला कि सुनो तुम्हें याद है तुम मुझे हमेशा एक एहसान किया करती थी। तो पत्नी ने बोला कौन सा? तो पति ने बोला यही कि मैं तो बच्चों की वजह से टिकी हुई हूँ, वरना कब की निकल जाती। तो फिर पत्नी ने बोला हाँ वो तो बिल्कुल सही है। तो फिर पति ने बोला तो देख सारे बच्चे ब्याह लिए अब तो निकल ले। हाँ, चलिए सही था, ये भी बढ़िया था, पर पिछला वाला बहुत मजेदार। बहुत बहुत शुक्रिया हरे राम जी, धन्यवाद। और इसी बीच कोई दूसरे श्रोता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम मधुरमा में। हेलो, नाम नहीं बताएंगे काम नहीं बताएंगे। नाम नहीं बताएंगे काम नहीं बताएंगे। अब वही है जनाब, आज तो सरप्राइज रह जाएंगे। प्रशांत अभिलाषी जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप दोनों? कैसे हैं आप? चलिए आज ठीक है, बिल्कुल बहुत ही पहचान गए, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शुक्रिया बहुत। आज उरला वाली मोरंग की लाइनें ज्यादा जोड़ रही है मधुरिमा के साथ, लगातार एक के बाद एक। हरिराम जी आज हरे राम यादव जी आए उर्लाबारी मोरंग से ही थे, और प्रशांत अभिलाषी जी भी उर्लाबारी मोरंग से ही हैं। और प्रशांत जी जी सुनाइए, क्या अभिलाषा है आज? अभिलाषा छोटी सी एक रचना है जो बस अब फिलहाल लिख ही रहा था कि बस फोन भी लग गया मेरा। हाँ अच्छा, अभी लिख रहे थे आशु कवि, क्या बात है, बहुत खूब। बिल्कुल बिल्कुल, अभी लिख रहा था इसके मैंने। तो सोचा कि आज क्या पेश करूँ, बस थोड़ी सी रचना है इसी को, बस यही पेश करने जा रहा हूँ सर मैं। जी इरशाद सुनाए। जाने अनजाने में एक भूल कर बैठा, जाने अनजाने में एक भूल कर बैठा, ये दिले नादान तूने ये क्या कर बैठा, ये दिले नादान तूने ये क्या कर बैठा। पहली नजर में किसी को अपना दिल दे बैठा, पहली नजर में ही किसी को अपना दिल दे बैठा, एक अजनबी को कैसे तूने अपना समझ बैठा, एक अजनबी को कैसे तूने अपना समझ बैठा, ये दिले नादान तूने ये क्या कर बैठा। क्या बात है, बहुत खूब। बातों ही बातों में इकरार कर बैठा, बातों ही बातों में इकरार कर बैठा, उन चंद मुलाकातों में किसी से इश्क कर बैठा,
उन चंद मुलाकातों में किसी इश्क कर बैठा, ये दिल नादन तने एक कह कर बैठा, जाने अनजाने में एक भूल कर बैठा, जाने अनजाने में एक भूल कर बैठा। शुक्रिया रमिता जी, शुक्रिया मुकेश सर, शुक्रिया सभी सुनने वालों को भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत अभिलाष जी, एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि ये बहुत ही सुंदर कविता, मतलब कविता थी, शायरी का जो भी कह लें, पर इसमें एक चीज आप सुधार लें, ये तूने जो आपने कर रखा है ना उसमें से ने हटा दे, ए दिले नादान तू ये क्या कर बैठा, तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ग्रामेटिकली भी जी जी जी, आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर प्रशांत जी। और ठीक है, पिछले बार मैंने गाना फरमाइश की थी, आज बजेंगे या नहीं? बिल्कुल जी, हाँ। बिल्कुल बजेगा, और आज भी आप फरमाइश कर सकते हैं प्रशांत जी। आज भी जी हाँ, आज एटीसी की अगली बार के लिए मैं इस गाने को फरमाइश करना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा जी। कौन सा गाना? जब हम जवा होंगे, जाने जब हम जवा होंगे। मेरी उन तमाम दोस्तों को इस वक्त में याद करा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको प्रशांत अभिलाषी जी फोन करने के लिए कार्यक्रम में, और इतनी प्यारी रचना सुनाने के लिए। और इसी बीच कोई दूसरे कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे, कहाँ से? ध्रुव कुमार मिश्रा। ध्रुव जी कैसे हैं? सरलाही से। बहुत अच्छा है, सरलाही जी। सरलाही कहाँ से? बहादुरपुर। बहादुरपुर जी, बहादुरपुर से। और हमारे प्राविधिक मित्र कह रहे हैं कि वो हमारे ही नगर पालिका से, गुड़ेता नगर पालिका, गुड़ेता नगर पालिका से, बहादुरपुर गुड़ेता है ना, वही तो नगर पालिका, तो दोनों एक ही है। अच्छा 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 अच्छा, तो बहादुर जी नहीं, मैंने आपके गांव के नाम से आपका टाइटल भी जोड़ दिया, ध्रुव कुमार बहादुर जी। अच्छा हो जाता है। अच्छा, क्या लेकर आए आज कार्यक्रम में? आज एक भक्ति गीत सुनाएंगे। भक्ति गीत सुनाएंगे जी, छोटा और मीठा सुनाए जी। छोटा सा ही सुनाएंगे। हाँ, सुनाए। माँ तूने ही तो जन्म दिया है, तूने ही प्राण दिया, माँ अपने बालक को बतलाया, अपने जीवन को याद किया तो जग में फूल खिलाया, अपने शरण में पालन भाया, अपने शरण में पालन पोषण जग में नाम धराया, मैया धरती पे जन्म दिखाया, अपने जन्म में कर्म बनाना जग में शांति फैलाना, मैया अपने लालन कहाया। क्या बात है, बहुत खूब। ये ध्रुव कुमार जी, ये ऐसे ही गाना आप कई बार सुना चुके हैं इस कार्यक्रम में, तो ये वही गाना है या इसी धुन पे आप अलग अलग शब्द डाल के सुनाते हैं? हम तो शब्द हमें याद नहीं रहता, अलग शब्द डाल के सुनाते हैं, धुन एक ही है, धुन एक ही रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गाने का तरीका तो एक ही है जी जी जी। तो कोई गाना फरमाइश करना चाहेंगे ध्रुव जी? अपनी मर्जी से सुना दीजिए, जो इच्छा आ जाए अपनी मर्जी से। चलिए, ये हमें बढ़िया स्वतंत्रता आपने दे रखी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी गाना आपको सुनाए आपको पसंद आए। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव कुमार जी, धन्यवाद। और ये थे ध्रुव कुमार जी, और अक्सर ये मतलब भक्ति गाने कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं और गाते रहते सुनाते हैं, और अक्सर इसी तरह के गाने सुनाते हैं इस प्रोग्राम में जब भी आते हैं, और एक ही धुन पर अलग अलग शब्द डाल के ये अलग अलग तो आप क्या कहना चाहती हैं? गाने सुनाते, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है, जो भी सुनाते हैं अच्छा लगता है। तो आइए दोस्तों, अब हम सुनेंगे संजीव जी की फरमाइश पर ये खूबसूरत सा गीत, जो कि है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज।
तो दोस्तों ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म हम दोनों से, जो कि सन 1961 में रिलीज हुई थी, और इस गीत में आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, और इस गीत के गीतकार है साहिर लुधियानवी और संगीतकार जयदेव। और दोस्तों रेडियो नेपाल की प्रस्तुति हिंदी सदाबहार गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा में अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो कृपया डायल करें 01-4211-721 या फिर 4211-736 नंबर एक बार फिर से सुन लें 01-4211-721 या 01-4211-736। और इन्हीं में से किसी एक नंबर पर कोई श्रोता हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम मधुरिमा में। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? कृपया रेडियो बंद कर ले पहले। हम सिमरा बारा से बोल रहे हैं जी। पहले रेडियो बंद कर ले। प्रेम चंद्र लमसाल बोल रहे हैं जी। कृपया अपना रेडियो बंद कर ले लमसाल जी। हाँ जी, अपना रेडियो बंद कर ले। हाँ रेडियो थोड़ा सा कम करते हैं। अच्छा जी, क्या नाम बताया आपने, फिर से बताएं। प्रेम चंद्र लमसाल जी बोल रहे हैं। प्रेम चंद्र लमसाल जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, कैसे हैं आप प्रेम चंद्र जी? एकदम ठीक है जी, यहाँ का सब ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब कि जो है जो ठीक तरीके से अब दिन सर्जा बीत रहा है। चलिए, अब नॉर्मल जी। बारह में कहाँ बताया आपने? बारह किस जगह बताया आपने? जगह सिमरा से। चलिए, ये एक खुशी की बात है कि वीरगंज में जो कोरोना का कहर था, बहुत लोग संक्रमित थे, तो उसमें कुछ राहत मिली है, संक्रमित की संख्या कम हुई है, है ना? अभी कुछ कम हो रहा है उसमें, जैसे अभी संक्रमण का जैसे कम होने के कारण अब यहाँ नॉर्मल हिसाब के जैसे हिसाब से काम अब काम लोग इधर उधर चलने का जैसे खूब आसानी हो रहा है। जनजीवन लगभग सामान्य हो गया। सामान्य हो गया है। जनजीवन में सामान्य आ रहा है जी। हाँ, और प्रेमचंद्र जी आज इस कार्यक्रम में क्या लेकर आए हैं, आप कुछ सुनाना चाहेंगे? अब छोटा थोड़ा सा मैंने चुटकीला से सुना रहे हैं। अच्छा जी, सुनाए। हाँ अच्छा, सुनिए। मानव जीवन में एक दिन का 24 घंटा होता है ना, 24 घंटा के अंदर चार अवस्था होता है। वो चार अवस्था में हम इस तरीके से सुना जा रहे हैं। कभी मन रंग तुरंग बसे, कभी मन लोभ किया धन के, कभी मन रंग तुरंग बसे, कभी मन लोभ किया धन के, कभी मन बचन हो ये जग में, कभी मन बसे बैराग में, कभी मन चंचल हो ये जगह में, कभी मन बसे बैराग में। एक दिन के अंतराल में हमारा चार अवस्था ही हमारा भाव बदलता रहता है ना। ऐसे कि चिंता में चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पापों से धनलक्ष्मी घटे कहा कहे दास कबीर। पापों से धनलक्ष्मी घटे कहा कहे दास कबीर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेमचंद जी, जी प्रेमचंद जी, आपने ये चुटकुला नहीं था, इसको चुटकुला मत कहा कीजिए, कुछ बातें थी, दोहे थे जी। तो लेकिन अब अगली बार हम आशा करते हैं कि चुटकुले भी सुनाएंगे प्रेमचंद जी हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमचंद जी। और इसी बीच कोई दूसरे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम मधुरिमा में। हेलो जी सर। जी मैम नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से कौन बोल रहे हैं आप? कमलेश कुमार बोल रहे हैं, अररिया बिहार से। कमलेश जी कैसे हैं भाई आप? जी बहुत अच्छे मैम, आप दोनों कैसे हैं आप बताइए। मुकेश सर कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ और रमदास जी भी ठीक ही हैं। जी हाँ जी सर, सबसे पहले तो रमदास जी की 4 अक्टूबर को शादी है, उनकी तरफ से इन्विटेशन है आप सभी को। अच्छा 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 जी। और मैं गाना सुनना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है, गाने के बोल हैं साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए। साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए, बहुत ही खूबसूरत गाना। और मैं दो लाइनें कहना चाहता हूँ कि समझदार इंसान ही करते हैं मोहब्बत, क्या कभी पागलों को देखा है प्यार करते हुए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और भी कुछ लाइनें हो जाए जी। और हो जाए, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत,
तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। क्या बात है, ये शायद मेरे लिए था। देखिए सब कुछ आप के लिए होता है नॉर्मली। हम गरीबों को थोड़ा बहुत छींटा पड़ जाता है। और ये आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है और सुन के बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में कहना चाहूंगा कि उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, कहाँ से चिंचन ये बहुत मजेदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। तो सर बात करके बहुत अच्छा लगा आप दोनों से, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश कुमार जी। और कितना प्यार देते हैं हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को। देखिए आईएसटी कॉल करके अररिया बिहार से, भारत से है इन्होंने कॉल किया, और यही एक हम लोग का जिगर इन्हीं चीजों से मजबूत होता है कि लोग इतना प्यार देते हैं, कार्यक्रम में फोन करते हैं और इंतजार करते हैं कि भाई गुरुवार को कार्यक्रम आने वाला है। जी हाँ, और इसी इंतजार के घड़ी खत्म करते हुए कोई श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो जी मैम, नमस्कार सर, नमस्कार आदर्श। आदर्श जी कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ, अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम भी बहुत ही अच्छे हैं। और क्या लेकर आए हैं कार्यक्रम में? ये दो तीन ठोर शायरी है वो पेश करना चाहता हूँ। अच्छा, दो तीन ठोर शायरी हम सुनेंगे जरूर। आदर्श जी पहले ये बताएं, आप करीब दो तीन जगह से कई बार फोन किया है, तो इस समय आप कहाँ हैं? जी इस बार मैं धनकुटा के पाखरीवास में रह रहा हूँ। धनकुटा के पाखरीवास में? जी जी। कैसा है माहौल वहाँ का? जी यहाँ एकदम माहौल एकदम ठंडा है, जहाँ और दूसरे जगह गर्मी रहता है यहाँ पर ठंडा रहता है। जी हाँ, मुझे तो बेहद ही पसंद है धनकुटा, वो जगह एक जी बहुत दिल से मतलब जाता ही नहीं है, इतना अच्छा सीन रहता है वहाँ का। जी आप लोग घूमने आ सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोग को जरूर आएंगे। आदर्श जी, आदर्श जी तो वहाँ पे है ही, रमिता जी भी जा चुकी है और बस ललच मैं रहा हूँ कि वहाँ पे गया नहीं, तो आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप शायरी सुनाने वाले थे आदर्श जी। जी सारी मेरी इस तरह से है, प्यार की अनदेखी सूरत हो तुम, प्यार की अनदेखी सूरत हो तुम, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत हो तुम। क्या बात है, खूबसूरत तो गुलाब के फूल भी होते हैं, फूलों से भी खूबसूरत हो तुम। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। कौन कहता है नफरतों में दर्द होता है, कौन कहता है नफरतों में दर्द होता है, कुछ मोहब्बत बड़ी कमाल की होती है। क्या बात है, हम भी फूलों की तरह अक्सर तन्हा रहते हैं, कभी टूट जाते हैं तो कभी कोई तोड़ देता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आज बड़ी अच्छी सी चीजें आ रही हैं। जी एक दूसरा भी है, सुनाए। मत छीन अपना नाम मेरे लव से इस तरह, मत छीन अपना नाम मेरे लव से इस तरह, इस अनजान जिंदगी में तेरा ही नाम तो है। क्या बात है, अगर आ गया किसी रोज दिल को समझ में मुझे, आपकी ये बेरुखी किस काम की रह जाएगी। क्या बात है, मजा आ गया आदर्श जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई गाना फरमाइश करना चाहे तो कर सकते हैं। जी गाना है एक ठोकिन से, दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, बता अब हम जाए तो जाए कहाँ। दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, बता अब हम जाए तो जाए कहाँ। क्या बात है, चलिए इस गाने को हम जरूर सुनाएंगे जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही फोन की बारी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अब गाने की ओर चलें। जी हाँ, और अब हम सुनेंगे प्रशांत अविलाशी जो कि उर्लावारी मोरंग के रहने वाले हैं, उनकी फरमाइश पर कभी कभी फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत।
सन 1976 में बनी फिल्म कभी कभी से ये गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। इसके गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीत का खयाम। कितना अच्छा कोइंसिडेंट है ना, मुकेश की आवाज में और यहाँ भी मुकेश की आवाज में। अभी आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा। और इसका डिटेल भी इतफाक से मुकेश जी ने ही सुनाया। क्या बात है। और इसी बीच कोई कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं कहाँ से? हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं कहाँ से? राजेश कुमार कोलैया से। राजेश कुमार जी, कैसे हैं राजेश कुमार जी? ठीक है, आप लोग सुनाए, आप लोग कैसे हैं? हाँ हाँ हाँ। और ये राजेश कुमार भी हैं और इत्तफाक से आज इनके मुंह से इंसान कंफ्यूज हो जाता ही है अगर दो नाम हो तो। वही तो, मैं भी कंफ्यूज हो गई कि राजेश ही है कि रवि जी है। पर मैं कंफ्यूज नहीं होती, मुझे पता था कि इनका नाम राजेश भी है। हाँ, मुझे भी पता है लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो गई। तो चलिए राजेश जी, क्या लेकर आए हैं? धम्माधम कुछ सुनाइए। हाँ, कहते हैं कि छोड़ दे कोशिश इंसान की, इंसानों को पहचानने की। छोड़ दो कोशिश इंसानों की पहचानने की। यहाँ जरूरत के हिसाब से बदलते नकाब है। क्या बात है, क्या बात है। अपने गुनाह पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है कि जमाना बहुत खराब है। क्या बात है, वाह। अपनी दिल लगी का आलम बयां कैसे करे, अपनी दिल लगी का आलम बयां कैसे करे, अपनी मोहब्बत का इजहार उससे कैसे करें। मरहम तो हर जख्म का होता है, पर कोई बताए मुझे, जो नजर से किसी के हो घायल उसकी दवा कैसे करें। क्या बात है। एक और अगर बोलना चाहेंगे जी, इरशाद। हेलो, हाँ हाँ इरशाद सुनाए। हेलो जी जी, नाम बता दीजिए उस कर्जदार का। नाम बता दीजिए उस कर्जदार का। कर्जदार का जी जी जी, नाम बता दीजिए उस कर्जदार का। हम अपनी खुशियों की पोटली वापस दे आते हैं। ब्याज और सूद सहित सारी खुशी आपके चेहरे पर सजाते हैं और एक प्यारी सी मुस्कान छिड़के आपके होठों पर चाहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लास्ट एक और बोलेंगे जी जरूर। चिराग से ना पूछो कि बाकी तेल कितना है, चिराग से ना पूछो कि बाकी तेल कितना है, सांसों से ना पूछो कि बाकी खेल कितना है। पूछो उस कफन में लिपटे हुए मुर्दे से, पूछो उस कफन में लिपटे हुए मुर्दों से कि जिंदगी में गौरव, जिंदगी में गम और कफन में चैन कितना है। सुनना चाहते हैं कि कभी बंधन जोड़ा लिया, कभी दामन छोड़ा लिया, कभी बंधन जोड़ा लिया, कभी दामन छोड़ा लिया। रवि जी कहाँ से लाते हैं ऐसे इस तरह की रचनाएं, कहाँ से लाते हैं? ओ माय गॉड, दिल छू जाता है लाइनें आपकी। ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत। कहते हैं कि हर किसी की अपनी अपनी जीने की शैली है, हर किसी की अपनी अपनी जीने की शैली है। किसी का चादर साफ है तो किसी का चादर मैली है। अगर जिंदगी समझो तो कुछ भी नहीं, अगर जिंदगी समझो तो एक सहेली है, अगर ना समझो तो एक अनसुलझी पहेली है। क्या बात है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। राजेश कुमार जी उर्फ रवि कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी हाँ, और इसी बीच कोई दूसरे कॉलर भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो सर, प्रणाम। आप लोगों को तो दिल से देखने में, मुंह भी देखने में, आवाज भी सुनने में हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। मुकेश जी और अमिता जी को दिल से कोटि कोटि प्रणाम। हम रामकृपाल ठाकुर जलेसर बारा। कैसे हैं रामकृपाल ठाकुर जी? जी आप लोगों का आशीर्वाद किसी तरह जी रहा। आप लोगों को तो समाचार भी सुनते हैं, कभी रमता जी का प्रोग्राम, कभी मुकेश जी का समाचार सुनते हैं कि हमारे सामने में आ गए। क्या क्या बात है, किस तरह से प्यार करते अच्छा, हैं आप। फेसबुक नहीं, हम तो लिखता हूँ खत खुद से, स्याही न समझना और मरता हूँ तेरे आप दोनों के इस पे जिंदा न समझना। क्या बात है। अच्छा फेसबुक में देखते हैं, हमें लाइव देखते हैं जी? नहीं लाइव नहीं सर, मोबाइल से बचा रहे हैं सर आपसे। नहीं नहीं वो तो ठीक है, चलिए। हमारा सर वो एक आँख है सर डैमेज हो गया, इसीलिए हम अंधा है, इसीलिए हम नहीं देख सकते। ओह सो सैड। चलिए रामकृपाल जी आज क्या लेकर आए हैं?
आप आपके लिए क्या लिखा है, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट को सोने से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया रामकृपाल जी। और कोई गाना फरमाइश करना चाहेंगे आप? फरमाइशी तो क्या कहते हैं, कोनो मन अच्छा गाना जो आपको लगे तो माने जैसे तो गीत फिल्म आजा तुझको पुकारे मेरे मित्र मेरे मित्र। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाना चुना आपने। चलिए ये गाना हम जरूर सुनाएंगे डबल आवाज में सर, माने मोहम्मद रफी दोनों का आवाज में, सब अच्छा रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को हमको अपने ही तहे दिल से हृदय से कहते हैं पशुपतिनाथ ये दोनों का मन और दाद दीजिए कि जिंदगी भर हम लोग सुनते हैं। बहुत बहुत आभार आपका जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आप इतना प्यार देते कार्यक्रम को और हम दोनों को इतना दुआ देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी। और इस बीच कोई दूसरे कॉलर भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, हमारे टेक्नीशियन मित्र इशारा कर रहे हैं। हेलो हेलो नमस्ते रमिता बहन, जानकी सर कैसे हैं सर? ठीक ठीक सुधीर बाबू नमस्कार, और सुधीर बाबू को भी नमस्कार सुधीर बाबू जी नमस्कार आपको भी, और आपने तीनों को नमस्कार किया, हमारे प्राविधिक मित्र को, मुझे और रमिता जी को। चलिए इतना प्यार देते हैं आप हमारे कार्यक्रम को, और क्या पेश कर रहे हैं आज? सबसे पहले तो आप लोग कैसे हैं सो पहले कहा जाए जी। हम अच्छे हैं जानकी शरणकांत जी, और आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा ही हूँ। अच्छा ही है ये, और क्या पेश कर रहे हैं आज? मैथिली रचना, और मेरा तो मैथिली रचना होता है, बहुत बढ़िया होती है जी। हाँ, जो भी रचना होती है हमें बेहद ही पसंद है, और सभी श्रोताओं को भी पसंद है ये आपकी जो रचना जो भी होती है, सभी श्रोताओं चाव से सुनते हैं जी। सुनाए यही है, कानन मझारन कानन मझारन कोकिल संतान जनी मारू है सजनी मुस्कान के रबान। क्या बात है, कानन मझारन कोकिल संतान जनी मारू है सजनी मुस्कान के रबान, अहाक अरुणिम कपोलहि टपकी रस गेल, अहाक अरुणिम कपोलहि टपकी रस गेल, टपक रस गेल। क्या बात है, बहुत होठ होठ मद परिपूरित बिटप बिंद भेल। क्या बात है, मन मंदिर के माझ से हेराए गेल ज्ञान जनि मारू है सजनी मुस्कान के रबान, जेना चंदा के चारू दिशकारी घटा, जेना चंदा के चारू दिशकारी घटा। हेलो जी जी हम सुन रहे हैं, और आवाज आ रहा है कौन चीज का? अब ये देखिए इसमें हमारा हाथ तो नहीं है, मुझे लगता है कहीं कुछ और ही आवाज आ रही होगी जी जी। तो जना चंदा के चारू दिश कारी घटा, कारी चितवन में ओहने ठीक अहिक छटा। क्या बात है, अंग अहिक निखार करे मुसु मुतन जनी मारू है सजनी मुस्कान के रबान। क्या बात है, बहुत खूब। मद मातल अहिक कजरारी नैना, मदमातल अहिक कजरारी नैना, ठीक कोयल समान अहाँ कोमल बैना, अहाँ बाजी का लागे ओ मिश्री समान जनी मारू है सजनी मुस्कान के रबान। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जी। नव यौवन फूलल अछि सोलह बसंत, नव यौवन फूलल अछि सोलह बसंत, देखी अचरज में डूबल अछि दसो दिगंत, यही जग में ने देखल क्यों अहिक समान यानी मारू है सजनी मुस्कान के रबान। वाह बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत। जानकी शरणकांत जी, जैसा कि हम जानते हैं, हमने सुना है आप शिक्षक थे, नहीं जी? जी पहले हम शिक्षक थे, इसके बाद में नापी में चले गए। नापी में क्या विषय पढ़ाते थे शिक्षक जब शिक्षक थे तो? जी शिक्षक थे तो क्या विषय पढ़ाते थे, साहित्य ही पढ़ाते थे, कोई भाषा पढ़ाते थे? जी भाषा ही पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे क्लास का मैथ्स पढ़ाते थे। मैथ्स भी पढ़ाते थे, क्या बात है। यही सब्जेक्ट था मेरा। अच्छा अच्छा, और ये सब मैथ्स भी पढ़ाते थे और साहित्य से तो खैर जुड़े थे क्योंकि अंग्रेजी भी पढ़ाते थे, पर इतने इतने संस्कृत शब्दों का मिश्रण करके कैसे साहित्य में इतनी रुचि है आपकी, इतने शब्दों का संयोजन कैसे कर लेते हैं, बड़ा ताज्जुब होता है, बहुत मजा आता है। इसमें
जी। खास करके मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा था नगराइन हाई स्कूल, नगराइन हाई स्कूल जी, ये तो उस स्कूल के हेड सर थे, लेकिन नाम बोल रहा हूँ उनका, मिश्र ऐसे ही थे। अच्छा अच्छा। उन्हीं से प्रेरणा मिली। क्या बात है। पर बहुत और दूसरी बात कि हमने विद्यापति, बाबा विद्यापति का रचना जी बहुत हमने पढ़ा। अच्छा अच्छा। और उसी सबसे इंस्पायर्ड मुझे जो है तो ये प्रेरणा मिली और शब्द का ज्ञान जो है उनसे, तो हम उसी तरीके से हमने जी वाकई। और कई कविता में लगता भी है कि विद्यापति की रचनाओं से कहीं प्रभावित है, पर वो बस थोड़ी सी प्रभावित होती है, प्रेरित होती है कह सकते हैं, पर एक जो मौलिकता है वो रहती है। और हमारे हिसाब से, पता नहीं विश्लेषक और भी कुछ कहना चाहेंगे या कह सकते हैं, पर हमारे हिसाब से बहुत अपना अपना विश्लेषण है जी, हमारे हिसाब से तो ये बहुत उम्दा रचना करते हैं आप। और चलिए आगे भी इसी तरह रचना करते रहे, रचना में और निखार आता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कोई गाना फरमाइश करना चाहे तो कर सकते हैं जी। जी एक गीत का फरमाइश ले लिया जाए जी। बताएं। और गवार फिल्म का गीत है सर। गवार का जी, कौन सा? ये दुनिया हंसे हंसती रहे, मैं हूँ गवार, मुझे सबसे हथियार। दुनिया हंसे हंसती रहे जी, मैं हूँ गवार, मुझे सबसे हथियार। मैं हूँ गवार, मुझे सबसे हथियार। क्या बात है। और गाना भी बहुत चुन चुन कर लाते हैं जानकी शंकर जी, रचना की तरह ही होती है गाने भी। और बहुत बहुत शुक्रिया जानकी शंकर जी। आज के लिए बस नमस्कार जी। नमस्कार। और ये थे जानकी शंकर जी। अब गाने की ओर चलना चाहिए जी। हाँ, और अब हम सुनेंगे दोस्तों हरे राम यादव की फरमाइश पर सरहद पार फिल्म से ये प्यारा सा गीत। दोस्तों ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें पत्र के जरिए जरूर दें। साथ ही अपने पत्रों में शेर व शायरी, कविता या गजल शामिल करना न भूलें। हमारा पता है कार्यक्रम मधुरिमा, रेडियो नेपाल, सिंह दरबार, काठमांडू, पोस्ट बॉक्स नंबर 634। ईमेल के लिए madhurimahindi@gmail.com। साथ ही फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी बातें इस कार्यक्रम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना होगा www.facebook.com/madhurima-hindi। तो चलिए दोस्तों, आज के मधुरिमा कार्यक्रम से मैं मुकेश कुमार मिश्र और मेरा मिता यादव, प्राविधिक मित्र सुधीर मिश्र के साथ आप सभी से इजाजत चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार। शुभ रात्रि।